आपको दावा कर सकता हूं, हन्ना सारी उम्र बांझ रहती अगर उसकी सौत उसे ना चिढ़ाती। उसके पति की ओर से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाइबल कहती है उसका पति उससे दुगना प्यार करता था, दुगने गिफ्ट देता था, पर उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी। और लिखा सौत के चिढ़ाने से ही वो परमेश्वर के भवन में गई और मन्नत मांगी और दिल खोल के उसने वहां पर प्रार्थना की आंसुओं के साथ। अगर उसकी सौत उसे ना चिढ़ाती वो ना जाती और ना बेबी पाती, क्योंकि वो अपने पति के प्यार से खुश रहती। कई बार लोगों के बैड वर्ड्स, उनके नफरत भरे वर्ड्स आपको परमेश्वर के करीब करने के लिए होते हैं, ना कि दूर करने के लिए। पर मैंने देखा लोगों को वो निराश होते हैं जब लोग उनका विरोध करते हैं कि मैंने क्या बुरा किया, मैंने कौन सा किसी का खराब किया है, फिर लोग मेरे साथ अच्छे क्यों नहीं, जैसे मैं लोगों के साथ अच्छा हूं लोग मेरे साथ अच्छे क्यों नहीं। अगर आप चाहते लोग आपके साथ अच्छे हों जैसा आप अच्छे हैं, तो फिर एक नॉर्मल जीवन जियो। क्रिश्चियनिटी वाला जीवन फिर आपके लिए नहीं है। क्रिश्चियनिटी वाला जीवन वो है जो आप डिजर्व नहीं करते, जो आपके लिए लोगों के हिसाब से बना नहीं, वो आपके सिर पे नाचेगा और आप उसके सिर पे नाचेंगे और आपके पास होगा वो। ओह आमीन, आपका छोटा है चर्च। आप बने नहीं हो राजा होने के लिए, पर आप राजा बनेंगे। आप बने नहीं हो बिग बिजनेसमैन होने के लिए, आप बनेंगे। लोगों को लगता है कि आपको कुछ नहीं पता, आप छोटे से हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्च आपके पास होगी। और ऐसा होता है आज भी चर्च, मैंने कहा ऐसा होता है आज भी। अगर आमीन ऊंचा, ये ब्लेसिंग, ये ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करे, मैंने कहा ये ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करे अगर आमीन ऊंचा। हालेलुया। ये बातें मेरे दिमाग में होती थी कि मैं लोगों के बीच में, अपने कजन्स के बीच में, अपने परिवार के बीच में मेरी बनती क्यों नहीं। ना मैं बुरा बोलता हूं, ना मेरे पास कोई गलत काम है, लेकिन ये परमेश्वर का प्लान था। हालेलुया। आपको जो चाहिए वो देगा, और जब चाहिए होगा तब देगा। जो आपके पास आज नहीं, इसका मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं। जब उसकी जरूरत हो जाएगी और परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार भी हो जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपके पास नहीं होगी जिसकी आपको जरूरत हो। आपकी हर एक जरूरत को स्वर्ग के भंडार से पूरा किया जाएगा। एंजल्स आपके सप्लायर होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने विरोध को यूज किया तो नए चेलों को बड़ा चेला बनाने के लिए। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे नाचने का दिल करता है। हाँ, कि मैं 13 में पढ़ रहा हूं कि वो अंताकिया से निकले, वापिस वहीं आ गए। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। विरोध करवाया, आगे निकले, आगे से विरोध करवाया और आगे निकले, पत्थर मरवाए और आगे निकले, और आगे निकले, करते 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 आधा एरिया मसीह में था, सिर्फ दो लोगों के द्वारा। सोचो जो आधा आ गया था वो आगे क्या करेंगे। हाँ, वो क्या करेंगे आगे। और जब वापिस आते हैं कोई कुछ नहीं कहता। क्या आपको समझ नहीं आती परमेश्वर के प्लान की, उसकी योजना की? वो किसी भी फेलियर को, खराब चीज को, नेगेटिव चीज को आपकी लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। किसी भी निराशा को, प्रार्थना ना का उत्तर ना आने को, फेलियर को, गरीबी को, किसी भी चीज को वो इस्तेमाल कर सकते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर परमेश्वर ने आपको परख के लिए चुना, आगे बढ़ाने के लिए चुना, जिस तरह वो सबको चुनते हैं, पर अगर आप पाप में चले गए तो फिर वो गरीबी आपको ऊंचा करने के लिए नहीं, आपको शर्मिंदा करने के लिए होगी। फिर वो परीक्षा आपको ऊंचा करने के लिए नहीं, आपको नीचा करने के लिए होगी। आप कैसे जान सकते हो कि आपकी जो परीक्षा हो रही है क्या वो मुझे ऊपर करने के लिए या नीचे करने के लिए? एक ही बात से आप जान सकते हो। अगर आप पाप में हो तो नीचे होने के लिए हो, अगर आप पवित्रता में चल रहे हो तो ऊंचा होने के लिए हो।